दुनिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के विधायकों की अयोग्यता के मामले में 15 फरवरी को फैसला सुनाया था। उन्होंने अजीत गुट को असली बताते हुए उनके गुट के 41 विधायकों को अयोग्य नहीं बताया था। इसी के साथ उन्होंने पार्टी के संस्थापक शरद पवार के गुट के 10 विधायकों की विधायकी की भी बरकरार रखी थी। नार्वेकर के शरद गुट के 10 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के फैसले के खिलाफ अजीत गुट अदालत पहुंच गया है। मंगलवार को अजीत गुट की एनसीपी के चीफ व्हिप अनिल पाटिल ने वकील श्रीरंग वर्मा के जरिए याचिका लगाई। इसमें उन्होंने स्पीकर के फैसले की कानूनी वैधता को चैलेंज किया। जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच आज इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। दरअसल जुलाई 2023 में शरद पवार की एनसीपी तोड़कर अजीत पवार भाजपा सरकार के गठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके बाद शरद गुट ने स्पीकर से पार्टी तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।